अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज रन मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास टेंथ आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेवनटीन का टॉपिक कंप्यूटर तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर सेवनटीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड द टॉपिक कंप्यूटर सो कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर बेसिकली इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन इसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन क्यों कहा जाता है बेसिकली इसमें बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज किया जाता है और इसमें फर्दर इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है और तब वो डिवाइसेस जो हैं वो वर्क परफॉर्म करती हैं। क्लियर सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग मशीन और कंप्यूटर क्या करता है कंप्यूटर जो है ये आपके डाटा को स्टोर करता है आपके डाटा को प्रोसेस करता है और इसी तरह से ये बहुत से अर्थमैटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करता है मींस के बहुत सी कैलकुलेशन भी करता है क्लियर लाइक सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन क्लियर सो कंप्यूटर वर्क थ्रू एन इंटरेक्शन बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कंप्यूटर के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर और इन दोनों के इंटरेक्शन से कंप्यूटर वर्क परफॉर्म करता है किस तरह से लाइक like अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर ऐसी चीज को कहते हैं जिसको आप देख सकते हैं या फिर आप छू सकते हैं ओके सो हार्डवेयर आर द डिवाइसेज विच यू कैन सी और टच ओके सो हार्डवेयर आर द डिवाइसेज विच यू कैन सी एंड टच, ओके, लाइक सीपीयू मॉनिटर, माउस कीबोर्ड एंड प्रिंटर एक्सेट्रा तो ये सब कंप्यूटर के पार्ट्स हैं जिनको आप देख भी सकते हैं और इनको आप छू भी सकते हैं क्लियर और जैसे कि आपको मालूम है कि ये सारे के सारे पार्ट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं जुड़े हुए होते हैं और हम जब भी इनमें से कोई भी पार्ट ऑपरेट करते हैं तो बेसिकली उनको ऑपरेट करवाने के लिए एक जो इंपॉर्टेंट डिवाइस है इन सब में दैट इज सी पी यू विच इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ओके सीपीयू क्या है सीपीयू इज द सेंट्रल प्रोसेसिंग आई होप इस डायग्राम से आपको ये क्लियर होगा कि सीपीयू हम किस पार्ट को कहते हैं और CPU के अंदर बेसिकली बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगी होती हैं, जो कि डिफरेंट वर्ग परफॉर्म कर रही होती हैं और इसमें एक छोटी सी चिप लगी होती है माइक्रो चिप सी लगी होती है उसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर ओके okay? कि देखने में तो बहुत छोटी है लेकिन ये बहुत मेजर मेजर वर्क परफॉर्म करती है बेसिकली सब इंस्ट्रक्शन जो है वो इसी में आके प्रोसेस होती हैं एंड देन फर्दर जो है वो एक रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। क्लियर सो अब हम डिस्कस करते हैं सॉफ्टवेयर को कि सॉफ्टवेयर क्या है सो नाउ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर बेसिकली हम ऐसी चीज को कहते हैं जिसको आप देख तो सकते हैं लेकिन उसको आप छू नहीं सकते लाइक like, हमारे कंप्यूटर में भी उसको ऑपरेट करवाने के लिए हम उसमें एक विंडो इंस्टॉल करते हैं सो दैट विंडो इज द सॉफ्टवेयर जिसको आप देख तो सकते हैं लेकिन आप उसको छू नहीं सकते क्लियर अब एक सॉफ्टवेयर क्या करता है सॉफ्टवेयर बेसिकली इंस्ट्रक्शंस देता है उन हार्डवेयर को कि उसने फर्दर किस तरह से वर्क परफॉर्म करना है क्लियर सो so हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज एन इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स दैट टेल हार्डवेयर वट टू डू हार्डवेयर ने क्या करना है उसने किस तरह से फर्दर वर्क परफॉर्म करना है किस तरह से कैलकुलेशन करनी है तो यह सब कौन बताता है that is software. और अगर हम बात करें तो टू इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर जो है लेनेक्स ओके सो विंडोज और लेनेक्स okay? so, जो है दीजा दू इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर यहां पर हम मैंशन कर देते हैं कि सॉफ्टवेयर वो है जिसको आप सी बट नॉट जिसको आप देख तो सकते हैं लेकिन आप छू नहीं सकते और अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की तो सॉफ्टवेयर मैंने यहां पर दो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर डिस्कस किए दैट इज विंडो एंड लेनेक्स ओके सो ये दो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है एंड सिमिलरली वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम सो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम ये भी एक सॉफ्टवेयर है और ये किस तरह का सॉफ्टवेयर है ये क्या करता है बेसिकली इसमें आप बहुत से वर्ड्स टाइप कर सकते हैं आप बहुत से लेटर्स टाइप कर सकते हैं क्लियर सो नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर अब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं दैट इज विंडोज और लेनेक्स जो कि मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं ठीक है ये आपके सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं बेसिकली ये आपके सिस्टम को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि उसने किस तरह से वर्क परफॉर्म करना है एंड एज यू ऑल नो कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं सो so, अब वो जो इंटरकनेक्टेड हैं उनके इंटरकनेक्टेड होने में भी जो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड होनी है वो कौन प्रोवाइड करता है दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली आपके कंप्यूटर को रन करता है इन so शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर आपका कंप्यूटर जो है वो बेजान है वो डेड है वो तो कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं कर सकता ना ही वो कोई कैलकुलेशन कर सकता है ना ही वो कोई भी वर्क प्रोसेस कर सकता है क्लियर कंप्यूटर computer. Computer के इस्तेमाल कहां, कहां पर हैं कंप्यूटर को जो है वो नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम डेली लाइफ में हर जगह इस्तेमाल करते हैं अगर हम बात करें ऑफिस की तो ऑफिस में जो कंप्यूटर है वो लेटर्स को प्रिपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और ऑफिस में रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जाती है और इनमें भी कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है क्लियर सेमिनरली अगर हम बात करें होटल्स की तो so, होटल्स में आपने देखा होगा जब हम बुकिंग करवाते हैं तो बुकिंग के लिए भी कंप्यूटर को यूज किया जाता है सिमिलरली होटल्स में आपने जो बिल बिल पे करने है, करने हैं अब एक जनरेट के लिए भी कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है या फिर आपने उस होटल में कोई बुकिंग करवानी है तो बुकिंग करवाने के लिए भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं क्लियर so, इस तरह से ये थी इसकी कुछ होटल के यूजेस और ऑफिस के यूजेस सो इसी तरह से इसके कुछ और यूजेस हम डिस्कस करते हैं That is in railways. Railway station में भी आपने कंप्यूटर देखे होंगे और जैसा कि रेल रिजर्वेशन प्रिंटिंग ऑफ टिकट एंड रिजर्वेशन चार्टो इसमें भी आपकी अगर आपने रेल की कोई रिजर्वेशन करवानी है कुछ सीट बुक करवानी है तो उसके लिए भी वहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है so इसके अलावा टिकट को प्रिपेयर करने के लिए भी वहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है और सेमिलरली रिजर्वेशन चार्ट्स और बहुत से रिजर्वेशन जो चार्ट्स जो बने हुए होते हैं उन सबको बनाने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है क्लियर नाउ इन मेडिकल फील्ड्स तो मेडिकल फील्ड में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि डायग्नोज इलनेस किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है एंड सिमिलरली द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस और अब आपने देखा होगा कि बहुत सी डिजीजेस ऐसी हैं कि जिनका ट्रीटमेंट कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है जैसा कि गले की बीमारी गोइटर जो होता है उसका भी ट्रीटमेंट गले के कंप्यूटर के थ्रू होता है एंड सिमिलरली बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं कि जिनको ट्रीट करने के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं क्लियर एंड इन आर्किटेक्चर फील्ड और आर्किटेक्चर फील्ड में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है लाइक डिजाइन बिल्डिंग्स सिटी प्लानिंग्स एंड सो ऑन इस तरह से बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए भी या एक सिटी को प्लान करने के लिए या भी कोई भी स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं क्लियर सिमिलरली इन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट अब मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो कि आपको वेदर फोरकास्ट करके बताता है कि फ्यूचर में मौसम जो है वो वेदर किस तरह का होगा ओके सो उसके लिए भी हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया करते हैं क्लियर जैसे कि आपको मालूम है कि एक स्टूडेंट की लाइफ में भी कंप्यूटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जैसा कि आपने भी बहुत सी असाइनमेंट्स प्रिपेयर करनी होती हैं इवन कि आपने इंटरनेट यूज करना होता है कुछ इस गूगल आउट करनी कुछ इस सर्च आउट करने के लिए आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है सो so, इंडरेक्टली कि आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है इसी तरह से हम कुछ टाइप्स डिस्कस करते हैं कंप्यूटर की जैसे कि मेन फ्रेम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर वर्क स्टेशन जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड पर्सनल कंप्यूटर्स एंड सिमिलरली आप डेस्कटॉप कंप्यूटर की एडवांस फॉर्म आ चुकी है दैट इज लैपटॉप जो कि पोर्टेबल होता है जिसको आप कहीं भी लेकर जा सकते हैं और इजी टू यूज और इजी टू हैंडल भी होता है क्लियर सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज